उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है श्री हनुमान जी का संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में नए विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर के मार्ग पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष हनुमान जयंती के दिन संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। इस दौरान मंदिर में बहुत सारे संगीत समारोह भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रसिद्ध गायक हिस्सा लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1631 और 1680 के दौरान तुलसीदास जी के द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचरितमानस का कुछ हिस्सा तुलसीदास जी ने इस मंदिर में स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ही लिखा था। हनुमान जी रामचरितमानस लिखने के लिए तुलसीदास जी की प्रेरणा थे। वो उनके परम भक्त थे और हमेशा उनके दर्शन की इच्छा रखते थे। इसी संकट मोचन हनुमान मंदिर में ही उन्हें बजरंग बली हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। स्वयं हनुमान जी के द्वारा इस मंदिर में दर्शन देने के कारण ही यह मंदिर भक्तगणों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां स्थित हनुमान जी के केवल दर्शन मात्र से ही आपके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं यहां संकट मोचक के रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर है वाराणसी जिले में स्थित संकट मोचन मंदिर। वैसे तो गंगा के तट पर स्थित इस शहर से पूरा भारतवर्ष परिचित है, या यदि मैं कहूं कि पूरी दुनिया परिचित है, तो भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रसिद्ध काशी में विराजमान हैं सबके दुख और पीड़ा को हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी। हनुमान जी के संकट मोचन अवतार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा श्री रामचंद्र जी के ठीक सामने है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि हनुमान जी अपने प्रिय श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। हनुमान जी की प्रतिमा की एक और विशेषता यह भी है कि यह पूर्ण रूप से मिट्टी से बनी हुई है। इस मंदिर का परिसर बहुत सारे बंदरों का घर है। यहाँ मंदिर के प्रांगण में ही स्थित सैकड़ों वर्ष प्राचीन एक तालाब भी है। यह तालाब कितना पुराना है, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता, परंतु मंदिर के वसीयत नामे में उल्लेख के अनुसार इस अति प्राचीन तालाब का जीर्णोद्धार 1904 में कराया गया था। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ भी हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना गंगा के किनारे बैठकर करते थे। प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान आदि करने के बाद तुलसीदास जी गंगा के पार जाते थे। गंगा नदी के दूसरी तरफ एक सूखा हुआ बबूल का पेड़ था। तुलसीदास जी जब कभी वहां से गुजरते, उस पेड़ में एक लोटा जल डाल देते थे। उसी पेड़ पर एक भूत भी रहा करता था। जल की ठंडक पाकर उसे अत्यधिक आनंद आता था। देखते ही देखते वह बबूल का पेड़ हरा भरा हो गया। एक दिन पेड़ में जल डालते समय उस भूत ने तुलसीदास जी से पूछा, क्या आप श्री राम के भक्त हैं? क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, मैं उनका भक्त हूँ और उनसे मिलने का बहुत इच्छुक भी हूँ, लेकिन क्या यह संभव है? भूत ने कहा, हाँ, जरूर संभव है, लेकिन इसके लिए पहले आपको राम भक्त हनुमान जी से मिलना होगा। उसने आगे तुलसीदास जी को बताया कि कर्ण घंटा नाम का श्री रामचंद्र का एक मंदिर है, जहाँ राम भक्त हनुमान जी आपको कतार में बैठे हुए दिखाई देंगे। वो उस मंदिर में एक कुष्ठ रोगी के वेश में रहते हैं। तुलसीदास जी ने उस भूत को धन्यवाद किया और तुरंत उस मंदिर की ओर चल पड़े। हनुमान जी को संभवतः इस बात का पता चल गया था कि उनके कुष्ठ रोगी के वेश के बारे में किसी को ज्ञात हो गया है, इसलिए जैसे ही तुलसीदास जी वहां पहुंचे, हनुमान जी वहां से जाने लगे। उनको जाता हुआ देखकर तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। आज जहां संकट मोचन मंदिर स्थित है, वहां पहले एक विशाल वन हुआ करता था।
जब उन दोनों लोगों ने वन में प्रवेश कर लिया तो तुलसीदास जी ने सोचा कि लगता है अब हनुमान जी नहीं रुकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनका पैर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, मुझे पता है कि आप स्वयं हनुमान जी हैं। कृपया इस भक्त को अपने दर्शन देकर धन्य कर दीजिए। हनुमान जी ने वहां से जाने का प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास जी की श्रद्धा देखकर वहां से नहीं जा सके। उन्होंने तुलसीदास जी को यहीं अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से उसी स्थान पर निवास करने का निवेदन किया ताकि वो प्रतिदिन उनके दर्शन कर सके। इसके बाद हनुमान जी वहां एक मिट्टी की प्रतिमा के रूप में बस गए और तुलसीदास जी प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करने लगे। आगे चलकर उन्होंने उसी स्थान पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि जब भी यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है तो श्री राम भक्त हनुमान जी स्वयं इसे सुनने के लिए किसी न किसी रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं। इसी मान्यता के संबंध में एक कथा भी है। इस कथा के अनुसार एक बार संकट मोचन हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। भारी भीड़ उपस्थित थी। सभी लोग श्रद्धा के साथ रामचरितमानस का पाठ सुनने में तल्लीन थे। तभी अचानक वहां एक बूढ़ा भिखारी आ गया। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था। वहां मौजूद लोग उसे बहुत अपमानजनक नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग उस बूढ़े भिखारी को वहां से भगाने लगे। सभी लोग वहां एकत्रित हो गए और सबने उसे वहां से जाने के लिए कहा। ऐसा करने पर वह बहुत क्रोधित होने लगा और देखते ही देखते वह कुष्ठ रोगी हनुमान जी में परिवर्तित हो गया। तब जाकर लोगों को अपने घोर अपराध का अनुभव हुआ। वे सभी लोग बजरंग बली हनुमान जी के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी वहां से अदृश्य हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब तुलसीदास जी इस मंदिर में बैठकर श्री रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनकी भुजाओं में अपार पीड़ा का अनुभव होने लगा। उन्होंने अपने पूजनीय हनुमान जी से शिकायत की, आप तो अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर कर देते हैं, तो फिर आप मेरे कष्टों का निवारण क्यों नहीं करते। इसी क्रोध में उन्होंने हनुमान बाहु की रचना कर दी और ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना के पश्चात उनका दर्द अपने आप दूर हो गया। मानो जैसे यह दर्द केवल उन्हें एक नई रचना की प्रेरणा देने के लिए ही था। वैसे संकट मोचन हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही मनुष्य के लिए प्रेरणा का एक अनोखा स्रोत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी टिप्पणियों का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में स्थित हनुमान जी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन हो सके। और यदि आपको ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के बारे में जानना है तो कृपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नए रोचक वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।